गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रचुन। ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर अभी हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बिगिन करने से फर्स्ट यू रिमाइंड सम वर्ड्स, सम नोटिस इन योर माइंड। बिफोर दिस टॉपिक स्टार्टेड वी डिस्कस नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में समथिंग डिस्कस। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस माने गए हैं जिस सेंटेंस में एनोटी नॉट शब्द लिखा हुआ नहीं है। जिस सेंटेंस में नॉट शब्द लिखा हुआ नहीं है वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस हैं। जिस सेंटेंस में एनओटी नॉट शब्द लिखा हुआ नहीं है वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस हैं। और जिस सेंटेंस के अंदर, जिन वाक्यों के अंदर नॉट शब्द लिखा हुआ है, जिन वाक्यों के अंदर नॉट शब्द लिखा हुआ है वो सेंटेंस नेगेटिव है। पॉजिटिव वो है जिसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंस हैं जिसमें नॉट लिखा हुआ है। जिसमें नॉट लिखा हुआ है वो नेगेटिव हैं, और जिसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है वो आपके पॉजिटिव है। इन दिस वीडियोज वी डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, एंड दिस टाइम वी डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, वो सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। वो सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी से क्वेश्चंस आस्क करते हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नोट, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, वो INTERRO इंट्रो गेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव। नोट डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, वो INTERRO इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल,
EXAMPLE एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव बताता हूँ। डियर स्टूडेंट इधर देखिए, आई एम रीडिंग, यह कौन सा सेंटेंस है बच्चों? पॉजिटिव। यह कौन सा हुआ? पॉजिटिव। आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, ये कौन सा है? नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या देखा आपने? नॉट। अब देखिए, अब हमारा आएगा प्रश्नवाचक। देखो बच्चों, ये एम है ना, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं उनको आप आगे ले आओ। एम, आई, रीडिंग, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? इसके पीछे आप क्वेश्चंस मार्क लगा दो। क्या लगा दो? क्वेश्चंस मार्क। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? यह आपका है प्रश्नवाचक। जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क हो, जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क हो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क हो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव। ही इज राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, यह पॉजिटिव है। ही इज नॉट राइटिंग, ये कौन सा हो गया बच्चों? नेगेटिव। ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। अब ये जो इज है इसको आप शुरुआत में लिख लो। इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, यह आपका कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। जिस सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क होगा वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जिसके अंदर या जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा वो इंट्रोगेटिव है। जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क हैं वो इंट्रोगेटिव है। आप नोट करो, जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क हैं वो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। आई एम टीचिंग, टी ई ए सी एच आई एन जी, आई एम टीचिंग, ये कौन सा है? पॉजिटिव। आई एम टीचिंग, ये पॉजिटिव है। आई एम नॉट टीचिंग, ये कौन सा हुआ? नेगेटिव। आई एम टीचिंग पॉजिटिव,
आई एम नॉट टीचिंग नेगेटिव, आई एम टीचिंग ये पॉजिटिव हैं और आई एम नॉट टीचिंग ये नेगेटिव है। अब देखो एम आई, ये एम है ना, इसको आगे लाओ तो ये कैपिटल होता है। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एम आई टीचिंग, टी ई ए जी एच आई एन जी, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, ये कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसके अंदर हम प्रश्न पूछेंगे ना वो आपका कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। आई एम आई एम वॉकिंग, ये कौन सा है? कौन सा है? पॉजिटिव। आई एम नॉट वॉकिंग कौन सा हुआ? नेगेटिव। जिसमें नॉट हो वो नेगेटिव। एम आई एम आई वॉकिंग, ये कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव। आई एम वॉकिंग पॉजिटिव, आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम नॉट वॉकिंग नेगेटिव, एम आई वॉकिंग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, जिस सेंटेंस के एंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, वो कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नोट ऑल सेंटेंसेज। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने सीखा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव का अर्थ होगा जिसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव, जिस सेंटेंस में हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होगी वो नेगेटिव सेंटेंस, और जिस सेंटेंस में हम किसी से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मीन्स नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका उसके पीछे क्वेश्चंस मार्क मिलेगा। जिस सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चंस मार्क मिले वो आपका इंट्रोगेटिव है। जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चंस मार्क मिले वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव। देन ऑल सेंटेंसेज यू राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। आप सारे सेंटेंस जो हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखे एंड यूज इन डेली रूटीन लाइफ। पेरेंट्स आल्सो वॉच दिस वीडियोज विथ स्टूडेंट्स एंड सेइंग टू स्टूडेंट्स राइट ऑल सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। पेरेंट्स बच्चों को नोटबुक में लिखने को कहे एंड दे गेट टाइम फ्री। एंड आई थिंक दैट इन दिस डेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैव टू मच टाइम टू लर्न ऑल सेंटेंसेज। इन दिनों में सारे विद्यार्थियों के पास में बहुत सारा समय है। सो ऑल स्टूडेंट्स राइट ऑल सेंटेंसेज एंड लर्न, ओके, एंड रिवाइज ऑल चैप्टर्स वंस अगेन।